हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? ला 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 बहन की शादी, बहन की शादी, ओ बहन की शादी में नाचे हम दोनों भैया, ला 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 ला। ये क्या हो रहा है? वही झांपना जो एक महीने बाद होगा। हमारी बहन की बेटी सलोनी ऐसे ही दुल्हन की तरह तैयार होगी और हम इसे विदा करेंगे अवध के दीवान जी के यहाँ। और मासी साहब, हम आपसे फूट फूट के रोएंगे। रोने वाली क्या बात है, बेटी तो वैसे भी पराया धन होती है। बिल्कुल झांपना, और सलोनी को तो हमने अपनी ही बेटी मान लिया है। हमने अपनी बहन से भी कह दिया है कि वो सीधा शादी के दिन ही आए। इसकी विदाई तो हम ही करेंगे और पिता बनके इसकी शादी में सारा दहेज आप देंगे। जी जी, हम तो अपना खजाने का सारा धन इनके लिए लुटा दें, लेकिन क्या करें, लड़के वालों ने सिर्फ हमारे मूंछ के बाल मांगे हैं दहेज में। जा पना। आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं। आपकी मूंछ से सलोनी के ससुराल वालों का मान बढ़ता है, तो दे दीजिए ना अपनी मूंछों के बाल। और वैसे भी बेटी के ससुराल ही तो जा रही है आपकी मूंछ। जानते हैं जानते हैं, इसीलिए सलोनी की सगाई के दिन ही हमने अपने मूंछ के 3 बाल जो बतौर दहेज उन्होंने मांगे थे वो हमने उन्हें दे दिए। वैसे बीरबल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे? जहां पना, यहाँ हमारी बेटी सलोनी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है, और ऐसे वक्त में राजा बीरबल अपनी जिम्मेदारी से भागकर गांव चले गए। बलदेव जी, जैसे ही आम में से इमली के बीज नहीं निकल सकते, वैसे ही हमारे मित्र बीरबल अपनी जिम्मेदारी से कभी भाग नहीं सकते। हमें याद आया, बीरबल ने हमसे कहा था उनके कोई मामा जी हैं उनके गांव में जिनकी तबीयत बहुत खराब है, तो बीरबल वहां गए हुए। जापना की जाओ, एक फरियादी आपसे मिलने के लिए बेकरार है। बुलाइए बुलाइए, फरियादी को बुलाइए। दुआई हो। मेरी बेटी की शादी होने वाली है और लड़के वाले दहेज में मुझसे 4 जोड़ी बैल मांग रहे हैं। तो कर लो बात। वो कह रहे हैं कि बादशाह अकबर हिंदुस्तान के इतने बड़े शहंशाह अपनी मूंछ के बाल दे सकते हैं, तो मैं 4 जोड़ी बैल क्यों नहीं दे सकता हूँ? लो कर लो बात। बदतमीज, क्या पके जा रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि जहां पनाह के कारण लड़के वाले तुमसे ज्यादा दहेज मांग रहे हैं? शादी में दहेज लेना देना एक रिवाज है। जानते हैं, बीरबल ने हमें बताया था कि हमारी रियासत में दहेज लेने देने की प्रथा कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। देखिए, अगर हमारी वजह से ये सब हो रहा होता तो लड़के वाले दहेज में और कुछ नहीं, सिर्फ मूंछ के बाल मांगते आपके। पर जहां पर आप ही बताइए कि हम गरीब क्या करें। आप बिल्कुल घबराइए मत बलदेव, आप जाके जरा लड़के वालों से मिलिए और इस समस्या का समाधान निकालिए इनके लिए। जी जा। जापना की जाओ। जापना, सलोनी जी के ससुराल से कुछ लोग शादी का शगुन लेकर आए हैं। हाँ हाँ, जल्दी भेजिए उन्हें अंदर। जी। प्रणाम जापना। प्रणाम रानी साहिबा। जापना, दीवान जी ने शगुन भेजा है। बहुत खूब। रानी साहिबा, हमारी तरफ से भी लड़के वालों को जरा हीरे मोतियों के थाल भर भर के भेजिए शगुन में। जापना, दीवान जी संदेश कह लाए हैं कि शगुन में कुछ और देने की बजाय अपने मूंछ के 4 बाल दे दीजिए। 4 बाल और दे दें? अरे पहले ही बतौर दहेज हम अपनी मूंछ के 3 बाल दे चुके हैं। हुजूर, दीवान जी ने कहलवाया है कि आप तो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, तो दहेज में आपकी मूंछ के 3 बाल लेना आपकी शान में गुस्ताखी है।
इसलिए आप दहेज में अपनी मूछ के चार बाल और दे दीजिए तो आपके साथ उनकी भी इज्जत रह जाएगी। जहाँ पना दे दीजिए ना अपनी मूछ के चार बाल। वैसे भी लड़की जितना ज्यादा दहेज लेकर जाती है ससुराल में उसकी उतनी ज्यादा इज्जत होती है। दे दीजिए ना चार ही तो बाल है। शादी में न्योता देने के लिए मेहमान सूची में हमने उदयपुर के महाराजा का भी नाम लिख दिया है। और किसी को नेता भेजना है बहना? रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा, हम उन जुम्मन मियां को ले आए हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया था और जिनके इंतजार में हमने ढोलक पर पापड़ सुखाया था। क्या जुम्मन मियां मिल गए? लेकिन मासी साहब, ये जुम्मन मियां कौन है? जुम्मन मियां एक बहुत ही पहुंचे हुए फकीर हैं और इनके परिवार में एक और बहुत पहुंचे हुए फकीर हुआ करते थे चांद बाबा से 500 साल पहले। और उनकी एक बहुत ही खास जूती है। कहते हैं उस जूती से जिस किसी को भी आशीर्वाद मिल जाता है ना, उसकी जिंदगी में हमेशा बस खुशियां ही खुशियां रहती है। लेकिन रानी साहिबा, हमने देखा है कि जुम्मन मियां बड़े ही बदतमीज है, फटे हुए खद्दर की कमीज है। कहीं आपसे कोई गुस्ताखी करना दे, अपने जुबान की सुराही में बदतमीजी का काड़ा भरना दे। फकीर ऐसे ही मुंह फट होते हैं, वो हम संभाल लेंगे। चलो हम तुम्हें उनसे आशीर्वाद दिलवाते हैं। और ये जहां बना कहा है? जो जी चढ़ाए दुनिया है, होगा तो बादशाह हिंदुस्तान, लेकिन ये चांद बाबा की चोटी हमार। इस चांद बाबे की जूती का छेद है तो और दुनिया के लिए खेद है तो। जुम्मन मियां की जय हो, चांद बाबा की जूती की जय हो। सूरज जैसा तेज है ना जूती में, क्या खुशबू आ रही है। इस बदबूदार जूती से आपको खुशबू आ रही है? कैसे बाबा को लेकर आई हैं आप? और बड़ा बदतमीज आदमी है ये, हमसे कह रहा है कि हम खेद हैं, हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, हम खेद हैं। जूती चला के तो या खेले। जुम्मन मियां, ये हमारी भांजी है सलोनी, इसकी शादी होने वाली है, आप इस जूती से इसे आशीर्वाद दीजिए ताकि हमेशा ये अपने ससुराल में खुश रहे। ऐसा चिलगोसे सी शक्ल तेरी, लगती है तो टकेगी अकल तेरी। खत्म हो गया जूती का जलवा, बात में देंगे तुझे दुआ का हलवा। भाग जा, भाग जा। ठीक है जुम्मन मियां, आप आशीर्वाद बाद में दे लीजिएगा, आप फिलहाल आराम कर लीजिए। हाँ साहिबा, ये फकीर कम पागल ज्यादा लग रहे हैं हमें। पागल पागल कहा तूने? ज्योति चलाएगी दुनिया खिलेगी, अब देख ज्योति का जलाल, कर देंगे हम तुझे हलाल, देंगे ज्योति का ऐसा फटका कि फूट जाएगा तेरा मटका। नहीं नहीं नहीं, इनका मटका मत फोड़ेगा। अब नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि इनका पेट मत फोड़ेगा। आप आराम कीजिए ना, आप आराम कीजिए। और इनके चांद बाबा इनसे भी ज्यादा महान है और उनकी जूती उनसे भी ज्यादा महान है, बहुत महान है ये। तो सिर्फ जूती को लाते ना, इन्हें क्यों लेकर आई? अरे जापना कीजिए। अरे भाई बीरबल आइए। क्या वो जापना, आप इतने परेशान क्यों? अरे हाँ वो, खैर छोड़िए समस्या को, आप बताइए आपके मामा जी कैसे हैं? जापान उनकी तबीयत तो काफी खराब थी, लेकिन अब भगवान की दया से वो बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन हम ठीक नहीं है यहाँ रियासत में, और बहुत सारे काम हैं जिन्हें छोड़कर आप चले गए थे। अब आप वापस काम पर लग जाइए तुरंत। जी जापान। हमारे सारे पड़ोसी बादशाहों ने हमारे साथ संधि तोड़ दी, लेकिन क्यों? जहां पना सारे बादशाहों का कहना है कि मुझ एक बादशाह की शान होती है। और बादशाह अकबर ने दहेज में मुझ के बाल देने के कारण अपनी शान कम कर दी है, इसलिए वो आपसे फौजी और व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहेंगे। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ,
अरे व्यापारिक संधि तोड़ने की वजह से हमारी पूरी रियासत में महंगाई बढ़ जाएगी, हमारी प्रजा को बहुत तकलीफ होगी। जहां पर फौजी संधि खत्म होने के कारण हमारे राज्य की सीमा पर दुश्मनों का खतरा बढ़ जाएगा। अब बिल्कुल सही कह रहे बलदेव जी। राजा बीरबल, हम हमेशा ही सही कहते हैं, कोई शक? प्रणाम जापना। आइए आइए, स्वागत है आपका। ये सलोनी के ससुराल से शगुन एक बार फिर आ गया। हाँ, क्या हमें दिखाई दे रहा है? हम कह रहे हैं, आप तो पूछ नहीं रहे। क्यों जापना, अब शादी तक शगुन का लेन देन तो चलता ही रहेगा। जापना, दीवान जी ने फरमाया है कि जो आपने दहेज में अपनी मूछ के बाल दिए थे, वो उनके रिश्तेदारों ने अपना सम्मान बढ़ाने के लिए उनसे ले लिए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अब दहेज में आपको अपनी मूछ के 10 और बाल देने होंगे। दस बाल और। जापना, आप दे दीजिए ना 10 बाल और। अब आपकी मूछों के बाल से उनका मान बढ़ता है और ससुराल में सलोनी का भी मान बढ़ेगा ना। जितना ज्यादा दहेज उतनी ज्यादा इज्जत, है ना? दे दीजिए, लड़की के ससुराल ही तो जा रहा है। राजा जी, आ जा। बस अब ये और नहीं होगा हमसे। अब कितना ही शगुन आए जाए, जो करना है कीजिए, हम ही और नहीं कर पाएंगे। बाबा, हमें चांद बाबा की ज्योति से आशीर्वाद दीजिए कि बिरबल जी को हमसे प्रेम हो जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो जाए। रखो लड़के। प्रेम की ज्योति में अपने अरमानों का प्रारंभ हो सा। चांद बाबा की ज्योति से अपना दिल लगा। इस ज्योति में है चमत्कार, बाकी सब बेकार। भाग जा, भाग जा। जुमनिया, ये चांद बाबा की ज्योति से अब आप सलोनी को आशीर्वाद दे दीजिए ना। इसके दहेज में जहाँ पना की मूछों के बाल जा रहे, अब उसके बदले में इसके ससुराल में इसे हमेशा इज्जत और प्यार मिले। तुरानी है या भिखारी? भाग ले, आ जाती है मारे मारे। चांद बाबा की ज्योति है बहुत ही भारी, कैसे कैसे संभाल पाएगी हो मल्लारी? नहीं नहीं, संभाल लेगी। ये तो इतनी भारी भारी कसीदाकारी वाली जूतियाँ पहनती है, इस हल्की सी फटी पुरानी जूती की दुआ तो संभाल लेगी। आप दुआ दीजिए। जुम्मन मियां, देखिए, अगर आपकी बाबा की जूती इतनी चमत्कारी है तो हमारे लिए काम कीजिए। हमारी जो संधियाँ टूट गई है ना, जरा उन्हें जुड़वा दीजिए। हमारी प्रजा बहुत परेशान है, साथ में जंग का खतरा भी हमारे सर पर मंडरा रहा है, इसके बारे में कुछ कीजिए। चांद बाबा की जूती पर शक करता है, ऊपर से आता अंदर से पंज कसता है। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तुम ही क्या खाएगा, तुझे करेले का स्वाद आएगा और जूती के आगे तो गिर गिर आएगा। जूती चलेगी दुनिया खिलाएगी। माफी मांगे, सलोनी को आशीर्वाद देने ही वाले थे और आपने फिर नाराज कर दिया। माफी मांगे। रानी साहिबा, हम माफी मांगे। जहां पना, माफ कर दीजिए हमें। ये माफी नहीं, ये धोखा है। ये इंसान खाली कागज का होगा है। चांद बाबा की जूती की नजर से कुछ बच नहीं पाएगा। आज के बाद ये जो भी खाएगा कुछ बचा नहीं पाएगा। जूती चलेगी दुनिया खिलेगी। सलीम वासु, बो लो। कल फिर सलोनी के ससुराल से शगुन आने वाला है। आहो, जहाँ पना आग पर कब तक अपनी मूछों के बाल खिंचवा कर यूं ही दर्द देते रहेंगे? ना हो,
हमने कुछ सोचा है। बो नो। सलोनी के ससुराल वाले दहेज में सिर्फ आपकी मूंछ के बाल ही मांग रहे हैं। अब कितनी बार आप एक एक दो दो बाल उखाड़ेंगे? हमने सोचा एक साथ ही सारे उखाड़ लेते हैं। ठीक किया ना जाबरा? बलदेव जी जहांपना, क्या हाल है हमारी प्रजा का? जहांपना, महंगाई से बुरा हाल है उनका, लेकिन इससे बढ़कर दो बुरी खबर और है। एक तो ये कि फौजी संधि खत्म होने के कारण दुश्मन हमसे जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सलोनी के शादी में कोई बादशाह आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जहांपना के मूंछ साफ होने के कारण कोई बादशाह इनके जलसे में शरीक नहीं होना चाहते। बस मूंछ नहीं तो कुछ नहीं, सबने हमें बादशाह बिरादरी से बाहर ही कर दिया। ज्योति जलाएगी दुनिया खेलेगी। यही हाँ, यही हाँ वो मूंछ मुंडे बादशाह जिसने चांद बाबा की ज्योति का अपमान किया है। अब ज्योति का एक फटका फोड़ देगा उसका मटका। खामोश खरगोश, आप तो बंद कीजिए अपनी बदतमीजी। अरे हमें नहीं पता कि आपकी ये जूती चमत्कारी है या नहीं है, लेकिन अब तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता। आपको अगर लगता है कि आपके बदमिजाज स्वभाव के बावजूद हम आपकी इज्जत करते रहेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। तोहीन, तोहीन करता है तू हमारे। अब जूती चलाएगी दुनिया खेले। मत भूलिए कि आप हिंदुस्तान के बादशाह से मुखातिब हैं। और एक बात याद रखिए कि इंसान को उसके अच्छे स्वभाव और व्यवहार की वजह से ही इज्जत मिलती है, ना कि कोई जादुई चमत्कारी जूती और इन उन चीजों की वजह से। खुद कहता है कि इंसान की पहचान उसके व्यवहार उसके स्वभाव से होती है और खुद ही इस बात को नहीं मानता। जापना, हम ये पूछना चाहते हैं क्या एक दुल्हन जो है वो इंसान नहीं होती? तो फिर क्या एक दुल्हन की पहचान उसके ससुराल में उसके स्वभाव उसके व्यवहार से नहीं होनी चाहिए? बीरबल, आप जा बना, आप हमें माफ कर दीजिए। हमने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, लेकिन जा बना अगर हम ये नहीं करते तो कभी आपको समझा नहीं पाते कि सारी चीजें एक तरफ और इंसान का व्यवहार और उसका स्वभाव एक तरफ। यानी कि ये जुम्मन मियां का और चांद बाबा की जूती का नाटक ये सब आपने हमें समझाने के लिए किया? आप कोई नहीं जा, हम हर उस इंसान को समझाना चाहते थे जो दहेज को अपनी शान मानते, जो दहेज को अपने बेटी के ससुराल में अपने बेटी के सुख का आधार मानते। जा बना, जब पहली बार आपने अपने मूंछ के बाल तोड़कर दहेज में दिए, तब हमने आपको रानी साहबा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब हम समझा नहीं पाए तब हमने मित्र तानसेन के साथ मिलकर ये जुम्मन मियां वाला नाटक किया।
और सच बात तो ये जापना कि हमारे मामा जी कभी बीमार पड़े ही नहीं थे। वो तो हमने बहाना बनाया था ताकि हम जुम्मन मियां बन सके। अब बात ये है कि जुम्मन मियां भी महल में थे, बीरबल भी महल में थे, कैसे? जापना आपने कभी जुम्मन मियां और बीरबल को साथ में देखा ही नहीं होगा। जुम्मन मियां जाते थे और बीरबल लाते थे। जापना कीजिए। जापना ये बात ना ही दहेज देने वाले वधु पक्ष, बल्कि वधु को दहेज के लिए जलाने वाले, वधु को परेशान करने वाले हर उस वर पक्ष को भी ध्यान रखनी चाहिए कि वक्त के साथ साथ दहेज की कीमत, उसकी चमक तो कम होती जाएगी, लेकिन अच्छे व्यवहार, अच्छे स्वभाव, अच्छे संस्कार की चमक वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। इसलिए दहेज से ज्यादा जरूरी है वधु का व्यवहार, ससुराल में उसका स्वभाव। आप सही कह रहे हैं बीरबल, गलती हमारी थी जो हम ये समझते रहे कि दहेज देने से सलोनी का ससुराल में मान बढ़ेगा। रानी साहब, असली दोषी तो हमारे समाज की व्यवस्था है जो दहेज जैसे कुप्रथा को अपने लालच से पालती पोसती रही। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी जापना। पहले वधु पक्ष अपनी खुशी से वर पक्ष को हांडी में तोहफे के रूप में कुछ ना कुछ डालकर दे दिया करती थी, लेकिन बदलते हुए वक्त के साथ साथ इस तोहफे ने दहेज का रूप ले लिया। इस विशाल कुप्रथा में अब तो वर पक्ष जबरदस्ती वधु पक्ष के सामने अपनी मांग रखती है। दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है जापना। बीरबल जी, इस जालिम प्रथा के कुछ गुनेगार हम वधु भी हैं, जो बगावत करने के बजाय अपने ससुराल में अपनी शान बढ़ाने के लिए अपनी माता पिता की इस गलती पर आंखें मूंद लेती है। वाह बीरबल वाह, एक बार फिर हम आपके कायल हो गए। आज आपने हमारी आंखें खोल दी, और अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज इस दहेज कुप्रथा को बढ़ावा हम भी दे रहे होते। बलदेव, हमारी पूरी रियासत में ऐलान कर दिया जाए कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही संगीन अपराध माने जाएंगे, और जिसने भी ऐसा किया उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मौसा साहब, आप भी हमारे ससुराल वालों से अपनी मूंछ वापस ले लीजिए। भाई, अगर मूंछ के बाल वापस लेकर हमारी मूंछ उगाती तो बात ही क्या थी, लेकिन हाँ, मूंछ के बाल हम लेंगे, लेकिन आपके ससुराल वालों से नहीं, बीरबल से।